से आप लोग उम्मीद करता हूँ सबके लिए से एक बार हम आपके लिए न्यू स्टॉक लेकर आए। न्यू स्टॉक में हम क्या लेके आए वो तो आपको नदीम भाई बताएंगे, तो चैनल पर आपने कर देना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और वीडियो को देखना लास्ट तक। मिलते हैं नदीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई आज आपने काला जोड़ा पाया साड़ी फरमाइश थे। अच्छा नदीम भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या न्यू स्टॉक लेके आए हैं? स्टॉक स्लाइड मरे। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। गेमिंग केसिंग लिया है हमारे व्यूअर्स के लिए? आप गेमिंग केसिंग लेकर आए हैं, इसके अलावा हम आपको जो ना कुछ एक्सेसरीज लेकर आए हैं, कुछ जो ना आप कूलर्स लेकर आए हैं, कूलर्स लेकर आए हैं। ये गेमिंग कूलर्स आ गए, मुख्तलिफ चीज़ें आपके लिए लेकर आए। अच्छा नदीम भाई, सबसे लो बजट में गेमिंग केसिंग की प्राइस क्या है? गेमिंग केसिंग स्टार्टिंग प्राइस भी 11,000 रुपये। 11,000 रुपये? 11,000 की कौन सी केसिंग है ज़रा दिखाएंगे? ये केसिंग है आपके सामने, ये केसिंग है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी 11,000 रुपये की। इसमें साइड में वही आपका गिलास आ गया। अच्छा, आपकी जो है ये छोटी सी स्लाइड है, और ये जो है ना कुछ कस्टमर उनको ऐसे होते हैं जिनको जो है ना ज़्यादा लाइटिंग अच्छी नहीं लगती, सिंपल सा कैसा ही होता है, तो उनके लिए हमने रखी है जो ज़्यादा लाइटिंग पसंद नहीं करते, ठीक है। अच्छा नदीम भाई, इसमें फ़ैन इंक्लूड हो सकता है? फ़ैन इंक्लूड हो सकता है, लेकिन फ़ैन की प्राइस फिर अलग होंगे। फ़ैन कम से कम भी 1200 रुपये का एक फ़ैन ऐड होता है। अच्छा ठीक है, तो ये 11,000 रुपये की है? ये 11,000 रुपये की है। इस पर फ़ैन ऐड करेंगे, दो ऐड करेंगे तो 2400 रुपये के दो फ़ैन ऐड हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, वो एक अलग चलता है। इसके अलावा हमारे पास सिग्नेचर केस है। सिग्नेचर केस आपको मिल जाएगा तकरीबन 12,500 रुपये का। 12,500 रुपये का फैन ऐड करेंगे वो अलग होगा, ठीक है। अच्छा नदीम भाई, ये जो 3 फैंस में हमें केसिंग नज़र आ रही है, इसकी क्या प्राइस है? 3 फैन में जो केसिंग है, हम आपको मैंने आपसे जैसे कहा ना कि थोड़ा रेट गिरे हैं, वैसे रेट तकरीबन 15+ चल रहा था, ठीक है। अच्छा, 17, 18 और 20 के रेट चल रहे थे, तो अभी हम जो केसिंग लेकर आए हैं ये मैश में, इसका डिज़ाइन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैश भी है, कूलिंग भी इसकी अच्छी होगी और 3 फैन के साथ, तो ये केसिंग आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये का। और अगर हम एक हफ्ते की डील लगाते हैं आपके लिए, अगर कस्टमर जो है ना विद इन वीक और वीडियो के रेफरेंस से आता है या पीस से पीस तक, हम आपको जो है 14,000 रुपये की देंगे। अगर कोई कस्टमर हमारे पास वीडियो के रेफरेंस से और विद इन वीक आ जाता है तो उनको हम 14,000 रुपये की देंगे। ये 14,000 रुपये की केसिंग, वैसे प्राइस की हमने 15,000 रुपये की रखी, 1,000 रुपये का डिस्काउंट आपको देंगे। अच्छा नदीम भाई, इसमें अगर i5 4th generation के साथ हम जाते हैं तो कितने तक की बिल्ड बनेगी? 4th generation के साथ जाते हैं करीबन कोई आपकी जो है 50 under 50 आपकी बन जाती है आपके बिल। तो उसमें ग्राफिक कार्ड कौन सा होगा? ग्राफिक कार्ड 2GB हम ऐड करेंगे स्टार्टिंग प्राइस वाला। अच्छा, लो प्रोफाइल वाला कार्ड। इसके अलावा अगर आप हाई प्रोफाइल की तरफ जाते हैं वो 60+ आपका बनता है। अच्छा अच्छा नदीम भाई, और ये लास्ट वाले की क्या प्राइस है? लास्ट वाला आपको मिल जाएगा 17,000 रुपये का। ये 17,000 रुपये का इसकी प्राइस है। अच्छा, फिलहाल हमने इसको डाउन कर दिया है, तो 3 फैन के साथ हम आपको ये 17,000 रुपये के देंगे। इसके साथ बात ये है कि इसके साइड में भी आपका ग्लास है और फ्रंट में भी ग्लास है। अच्छा, और इसके फैन खिलाते हैं तो अच्छे फैन है इसके। अच्छा नदीम भाई, ये RGB कीबोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसके क्या प्राइस है? RGB कीबोर्ड 3,000 रुपये का ये, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास RGB माउस है, ये माउस तकरीबन हम आपको दे देंगे 1700 रुपये का दे देंगे, ठीक है। अच्छा, 2,000 रुपये का रेट है, 1700 रुपये कर देंगे, ये वही आ गया आपके पास। इसके अलावा नॉर्मल केसेस की तरफ आते हैं, नॉर्मल केसेस जो है ना आपको कुछ 4,000 रुपये के हैं, कुछ 5,000 रुपये के, कुछ 3500 रुपये के, मुख्तलिफ प्राइस है। अच्छा अच्छा नदीम भाई, आपके पास कूलर भी आए, कूलर के भी रेट तो बताएं ज़रा हमारे व्यूअर्स को। ये कूलर है हमारे पास, थोड़े से कम रेंज में कूलर आए हुए, तो ये कूलर आपको फिरेन है, हम इसको फिरौन पढ़ते हैं। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? फिरौन पढ़ते हैं। अच्छा, फिरेन है, फिरेन का एक कूलर, ठंडर में फिरेन कूलर है, तो ये जो है ना हम आपको दे देंगे 3500 रुपये का। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्क्वेल आया हुआ है, तो स्क्वेल आपको पड़ जाएगा तकरीबन 7,500 रुपये का। कितने का? 7,500। इसमें कोई डिस्काउंट है? डिस्काउंट देखेंगे, हो सकता है कस्टमर डिस्काउंट दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा ये आ गया विंड वाइल्ड विंड आया हुआ है ठंडर में, तो ये आपको पड़ जाएगा तकरीबन 9,500 रुपये का। 9,500 रुपये का। अच्छा अच्छा नदीम भाई, आप आने वाले दिनों में ग्राफिक कार्ड के हवाले से भी अपडेट देंगे हमारे व्यूअर्स को? जी हाँ, तकरीबन 2-3 दिन के अंदर हमारे पास ग्राफिक कार्ड का स्टॉक आने वाला है, उसमें 1GB से लेकर तकरीबन 4GB तक के मुख्तलिफ ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग प्राइस इंशाल्लाह आपको वो न्यू कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह न्यू वीडियो में आपको इंशाल्लाह वो ग्राफिक कार्ड के हवाले से वीडियो दे देंगे। अच्छा नदीम भाई, 750 Ti आने वाला है आपके पास? जी हाँ, 750 Ti भी आने वाला है, और R750 आने वाला है, R750 जो है MSI में आने वाला है, इसके अलावा K620 आने वाला है, मुख्तलिफ हमारे पास ग्राफिक कार्ड आने वाले हैं। 2GB का जो है थोड़ा सा हाई बजट का ग्राफिक कार्ड भी आने वाला है, 8GB भी आने वाले हैं हमारे पास, और 4GB भी आने वाले हैं,
6GB हम लगे हुए हैं, 6GB के कोई ग्राफिक कार्ड आ जाए तो ओवरऑल जो है ना अभी इंशाल्लाह ग्राफिक कार्ड्स पे भी हम दोबारा से काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। नदीम भाई, इसके बाद आप क्या लेकर आए हमारे व्यूअर्स के लिए? इसके अलावा हम ब्रांडेड पे जो लो बजट गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं तो हम फिर ब्रांडेड पे लेकर आते हैं कस्टमर्स को, वो हम स्टार्ट करते हैं जो है ना थर्ड जनरेशन से। थर्ड जनरेशन के पीसी स्टार्टिंग प्राइस भी कम से कम भी 20,000 के अंदर आपका रेडी हो जाता है टावर में। जैसे आपका कस्टम पीसी और डेस्कटॉप में 20 से ऊपर का बनता है, तो टावर में अगर हम आते हैं और ब्रांडेड में आते हैं तो टावर भी आपका साथ में टावर भी आ गया और जो है ना आपका ग्राफिक कार्ड भी मुनासिब से आ जाता है, तो सब चीज़ें मिल मिला के 20,000-22,000 का आपका पीसी रेडी हो जाता है थर्ड जनरेशन सेकेंड जनरेशन में। इसके अलावा फिर फोर्थ जनरेशन पर आते हैं तो ये पीसी आपके पास लगे हुए थर्ड भी है फोर्थ भी है, फोर्थ जनरेशन के पीसी आपको रेडी हो जाते हैं करीबन 25 स्पेक्स में, कोई 30 तक का 35 तक आपका पीसी रेडी हो जाता है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ये गेमिंग पीसी ब्रांडेड में 20 से 30,000 के इसके दरमियान आपका एक मुनासिब से पीसी रेडी हो जाता है। इसमें ग्राफिक कार्ड कौन सा इंक्लूड होगा? कार्ड किसी में 2 GB इंक्लूड है, किसी में जो है ना आपका 1 GB इंक्लूड है। अच्छा, दो पीसी हम हमारे जो है कस्टम में बनता है, कोई 35 का बनता है तो यहाँ पर आके जो ना कम से कम भी 5-4,000 रुपये कम हो जाते हैं इसमें आपके ब्रांडेड में। इसी तरह अगर कोई पीसी आपने 25 का बन रहा है तो ब्रांडेड में आपका वो जो ना 20 का ही बन जाता है, 22 का ही बन जाता है, तो ब्रांडेड में और कस्टम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। अच्छा नदीम भाई, गेमिंग एसेसरीज में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं? हम कुछ मुख्तलिफ लेकर आए हैं तो आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये वायरलेस में गेमिंग माउस है थंडर का, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग प्राइस की कम से कम भी आपका ये तकरीबन 3,000 रुपये का है। इसके अलावा 102 हमारा ये गेमिंग माउस है लॉजिटेक का, ये तकरीबन आपको पड़ेगा 2,000 रुपये तक का। इसके अलावा हमारे पास ये है 303, ये तकरीबन ये भी तकरीबन जो है ना 2,500 रुपये तक का है। इसके अलावा हमारे पास ये गेमिंग माउस है, ये 2,000 रुपये तक का है। इसके अलावा हमारे पास वायरलेस माउस है, नॉर्मल वायरलेस माउस है, ये तकरीबन 1,000 रुपये तक का है। इसके अलावा हमारे पास सेम माउस है गेमिंग का थंडर में, तो ये तकरीबन 1,500 रुपये तक का है। इसके अलावा जॉयस्टिक हमारे पास ये 1,500 रुपये की है, ये हमारे पास हेडफोन है ये 1,500 रुपये तक का है। वायरलेस हमारे पास वाईफाई कार्ड भी होते हैं, हमारे पास वाईफाई कार्ड तकरीबन जो है ना 800 रुपये तक का है। इसके अलावा पेस्ट होता है हमारा, थर्मल पेस्ट होता है, ये तकरीबन 300 रुपये तक का पेस्ट है। क्रोम बुक्स लेकर आए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं क्रोम बुक्स से। हमारे पास ये है HP की, हमारे पास ये क्रोम बुक है और ये इसमें 4GB रैम है और 64GB रोम है और आप कंडीशन इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है और देखें आप इसके साइड से सब कंडीशन आप चेक करें, बहुत अच्छी कंडीशन में। ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 16,000 रुपये। कितने की? 16,000। कोई डिस्काउंट? डिस्काउंट इंशाल्लाह कर देंगे, कस्टमर आते हैं वीडियो के रेफरेंस से उनको इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा पास ये लैपटॉप में आते हैं तो HP का लैपटॉप है, i5 सेकेंड जनरेशन और 4GB रैम और 128 MP इसमें लगी हुई है। इसके अलावा इसके आप स्क्रीन चेक करते हैं, स्क्रीन साइज भी माशाल्लाह अच्छा है और इसके बॉडी वाइज भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। उसके बाद इसके अलावा इसमें बैटरी है हमारे पास 9 cell बैटरी, यूजुअली जो बैटरी आती है वो 6 cell बैटरी आती है, तो इसका बैकअप भी निस्बतन अच्छा होता है। तो इसके बैकअप के बारे में हम बात करें तो 2.5+ मतलब 2.5 घंटे से ऊपर तकरीबन इसका बैकअप होता है। तो ये आपको प्राइस के हवाले से हम आपको बताएं तकरीबन आपको ये 22,000 रुपये का पड़ेगा। ये 22,000 रुपये की पड़ेगी? ये दोनों एक ही मॉडल है? बिल्कुल, ये दोनों सेम मॉडल है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा अगर बजट के हवाले से थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास ये थर्ड जनरेशन की मशीन है। अच्छा, थर्ड जनरेशन में है हमारे पास ये डेल की मशीन है, थर्ड जनरेशन में 4GB रैम लगी हुई इसमें और 180 SSD लगी हुई है M2। और इस प्राइस की हम अगर बात करते हैं तो ये तकरीबन पड़ जाता है 17,500 रुपये का। 17,500 रुपये, ठीक है। हमारे पास एक और लैपटॉप है और ये है हमारे पास i3 सेकेंड जनरेशन, इसमें पास रैम लगी है 4GB और 250 GB हार्ड डिस्क से। तो प्राइस की अगर हम बात करते हैं हम आपको दे देंगे 17,000 रुपये का। 17,000 रुपये हम आपको उसको लेकर देंगे साथ और बैकअप, और तकरीबन हमारे पास 1.5 घंटे का इसका बैकअप है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास लैपटॉप और भी होते हैं, रिक्वायरमेंट पर भी अगर डिमांड अगर कस्टमर करता है तो हम डिमांड पर भी उसको लैपटॉप ला कर देते हैं। अच्छा नदीम भाई, अपनी शॉप का एड्रेस बताइएगा हमें। नास्ता में शॉप नंबर 109 गेट नंबर 2। तो नदीम भाई, ये थी आज की न्यू वीडियो, उम्मीद है हमारे तमाम व्यूअर्स को पसंद आई होगी। तो वीडियो के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? ये कहते हैं कि अगर कस्टमर अगर उनको अच्छी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए उनको चाहिए कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। यार ये आप टाइट बोलते हैं, बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको शुरू में ही आपको मिल जाए। अच्छा भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइज, ये थी आज की न्यू वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।